ये कहानी है कुछ जासूसों की जिन्हें नॉर्थ कोरिया की फौज ने साउथ और नॉर्थ कोरिया को जोड़ने के लिए तैयार किया था। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग पूरी हुई तो उन्हें साउथ कोरिया भेज दिया गया, जहां वो अपनी असलियत छिपाकर रहने लगे। इन्हीं में से एक जासूस था रियू हान। वो मार्शल आर्ट्स का इतना जबरदस्त खिलाड़ी था कि कोई उसके सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक पाता था। लेकिन यहां साउथ कोरिया में उसे डोंगो नाम के एक बेवकूफ लड़के का भेस बनाकर रहना पड़ रहा था। अपनी असलियत छिपाने के लिए उसे रोज 3 बार लोगों के सामने गिरने का नाटक करना पड़ता, और इसी तरह शहर पर नजर रखते हुए उसे पूरे 2 साल हो चुके थे। फिलहाल वो जियान नाम की एक बूढ़ी औरत की दुकान में काम करता था। इसके अलावा स्यू नाम का एक आदमी भी उसका दोस्त था, जो पिछले 16 साल से वहां जासूस बनकर रह रहा था। फिर एक दिन नॉर्थ कोरिया से हायरैंग नाम का एक जासूस रियूहान के ही शहर में रॉकस्टार का भेस बनाकर आया। उसे देखकर रियूहान को काफी बुरा लगा। उसने सोचा कि कहीं उसके ऑफिसर्स को उसकी काबिलियत पर शक तो नहीं। अगले दिन स्यू रियूहान के घर रोता हुआ पहुंचा। उसने बताया कि उसका परिवार गैर कानूनी तरीके से नॉर्थ कोरिया छोड़कर चाइना जाते हुए पकड़ा गया, और इसीलिए अब स्यू को भी नॉर्थ कोरिया जाकर फांसी की सजा होगी। अब स्यू ने सोच लिया था कि वो उन हत्यारों के हाथ नहीं मरेगा, इससे बढ़िया तो वो यहीं अपनी जान दे दे। लेकिन रियूहान उसे समझाने लगा कि उसे अपनी फौज के प्रति वफादार रहना चाहिए, सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे वो और उसका परिवार फांसी से बच सकते हैं। उधर खुफिया अड्डे में एक घुसपैठिया घात लगाए बैठा था। मौका मिलते ही उसने गोली चलाकर एक VIP को मार डाला। दूसरी ओर रियूहान को यून नाम की एक खूबसूरत लड़की बेहद पसंद आ गई, लेकिन जब भी वो यून को देखता तो उसका छोटा भाई जून आकर रियूहान को बुरी तरह पीट देता। दूसरी ओर शहर में रॉन नाम की एक नई लड़की आई थी, जो अक्सर छोटे कपड़े पहनती थी, और रियूहान जब भी उससे मिलता तो चाहकर भी अपनी नजरें उससे हटा नहीं पाता था। फिर रात को अचानक रियूहान के कमरे में भी वही घुसपैठिया घुस आया और उसके सर पर बंदूक तान दी। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही रियूहान समझ गया कि ये लड़का नॉर्थ कोरिया का जासूस है। उस लड़के ने रियूहान को अपना मिशन ईमानदारी से पूरा करने को कहा और तुरंत भाग निकला। रियूहान भी उसके पीछे भागा, लेकिन वो जासूस कुछ ही पलों में गायब हो गया। तभी रियूहान को रॉन दिखाई दी, जो नशे में धुत हो चुकी थी। उसने नशे में ही रियूहान को पकड़कर अपने साथ बैठा लिया और अपनी कहानी बताने लगी। उसने बताया कि उसने 18 साल की उम्र में एक लड़के को जन्म दिया था, और उसके माँ बाप ने उसके बेटे को US के एक अनाथ आश्रम में भेज दिया। तब से लेकर आज तक वो अपने बेटे की शक्ल तक नहीं देख पाई। ये कहकर वो रोने लगी और कुछ ही देर में सो गई। फिर रियूहान उसे उठाकर घर ले आया, और जैसे ही वो जाने लगा तो उसने देखा कि वही जासूस फिर से उस पर नजर रखे हुए था। तब रियूहान को एहसास हुआ कि ये तो यिन है, जिसे जासूस बनने की ट्रेनिंग खुद उसने ही दी थी। अपनी असलियत बाहर आते देख यिन तुरंत वहां से भाग गया। लेकिन अगले दिन जून ने रियूहान को यिन से मिलवाया। असल में यिन ने भेस बदलकर जून के ही स्कूल में दाखिला लिया था। उसे देखकर रियूहान सोच में पड़ गया कि आखिर इस शहर में 2 और नए जासूसों को क्यों भेजा गया है। आखिरकार शाम को यिन ने बताया कि उसकी पोस्टिंग स्यू की जगह हुई है। अब रियूहान यिन से उसके अगले मिशन के बारे में पूछने ही वाला था कि अचानक उन्हें किसी के आने की आवाज सुनाई दी और उन्हें तुरंत छिपना पड़ा। तब उन्होंने देखा कि यून का बॉस शराब पीकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर रियूहान ने यिन को उस लड़की की मदद करने को कहा, लेकिन यिन ने साउथ कोरियन लोगों की मदद करने से साफ इनकार कर दिया। वो कहने लगा कि इनकी मदद क्यों करें, ये तो हमारे दुश्मन है। तो अब रियूहान ने खुद उसकी मदद करने का फैसला किया। उसने तुरंत यून के बॉस की जबरदस्त धुलाई की और उसकी एक अश्लील वीडियो भी बना ली, ताकि वो फिर से यून को परेशान ना कर सके। फिर अगले दिन तीनों जासूस मिलकर बातचीत कर रहे थे कि अचानक एक बदमाश उस बूढ़ी औरत को परेशान करने लगा, जिसकी दुकान में रियूहान काम करता था। रियूहान ने बीच में गिरकर उसे बचाया, लेकिन साथ ही बेवकूफ होने का नाटक जारी रखा। इस चक्कर में वो बदमाशों से पिट भी गया, और जब उस औरत के बेटे को इसकी खबर मिली तो वो खुद बदमाशों को सबक सिखाने निकल पड़ा। रियूहान और यिन भी चुपके से उसके पीछे हो लिए। लेकिन जब गुंडे चौक पर भारी पड़ रहे थे तो यिन ने भेस बदल कर सारे गुंडों की हड्डी पसली एक कर दी। उधर नॉर्थ कोरिया में कोई नहीं जानता था कि ली अपनी बनाई इस जासूसों की फौज का इस्तेमाल सिर्फ अपने फायदे के लिए कर रहा है। ली को अपनी पोल खुलने का डर था कि उसने किम जोंग से छिपकर अपनी फौज बना रखी है। अपना पर्दाफाश होने के डर से ली ने पहले ही साउथ कोरिया में छिपे सभी जासूसों को देश के नाम पर खुद को कुर्बान करने के ऑर्डर दे दिए। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लगभग सभी नॉर्थ कोरियन जासूसों ने फिजूल ही अपना बलिदान दे दिया। यिन भी ऐसा करने ही वाला था कि रियूहान ने कहा कि उन्हें अपने परिवार की सुरक्षा का इंतजाम किए बिना ये कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन यिन के लिए फौज के ऑर्डर से ऊपर और कुछ नहीं था, इसलिए उसने गुस्से में रियूहान पर बंदूक तान दी।
तभी हायरैंड ने बीच में आकर कहा कि अगर वो मरने की बजाय चुपचाप गायब हो जाएं, तो किसी को क्या घंटा फर्क पड़ेगा। ये सुनकर यिन गुस्से से भर गया और उन दोनों की जान लेने को तैयार हो गया। आखिरकार रुहान ने यिन को गोली चलाने को कहा, लेकिन वो चाहकर भी खुद अपने हाथों से अपने कैप्टन को नहीं मार पाया और आखिरकार बहुत परेशान होकर वहां से भाग गया। उधर इतने जासूसों को मरता देख ऑफिसर रॉजर को काफी चिंता हुई, लेकिन उसके बॉस के लिए दोनों देशों के एक होने से बढ़कर और कुछ नहीं था, चाहे इसके लिए कितने भी मासूमों की जान चली जाए। उधर कुछ लोग लगातार यिन का पीछा कर रहे थे, इसलिए उसने मौका देखकर एक एक को ऊपर पहुंचा दिया। तभी अंधेरे से रॉजर निकल कर आया और उसने रुहान से कहा कि बचे हुए जासूसों की जान खतरे में है, इसीलिए उसे छुपकर साउथ कोरिया से बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन रुहान ने साफ इनकार कर दिया। यह देखकर रॉजर ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन तभी यिन ने रॉजर पर वार कर दिया, जिससे रुहान को भाग निकलने का मौका मिल गया। फिर रिन और रुहान मिलकर उसके पीछे भागे, लेकिन रास्ते में रुहान को स्यू मिल गया। स्यू ने उसे बताया कि जब उसे वापस नॉर्थ कोरिया ले जाया जा रहा था तो वो चुपके से भाग आया। अब उसे रुहान की मदद की जरूरत थी। उधर रॉजर ने किसी तरह यिन को गिरफ्तार कर लिया और उसके शरीर से एक ट्रैकिंग डिवाइस निकाला, जिसके बारे में यिन भी नहीं जानता था। अब उसे एहसास हुआ कि सरकार शुरुआत से ही उन पर नजर रखे हुए थी। वहीं दूसरी ओर ली ने अपने आदमी ताइवान को बाकी बचे जासूसों को मारने के लिए साउथ कोरिया भेज दिया। इधर रुहान को जमीन पर यिन के खून के धब्बे दिखाई दिए तो उसे बहुत गुस्सा आया कि जिस फौज के लिए वो अपनी जान तक देने को तैयार हैं, वो ही उन्हें मारने पर तुली है। अब उसने विरोध करने का फैसला किया और अपने बाल कटवा कर अपना असली रूप सबके सामने ले आया। उसका बदला रूप देखकर शहर के सभी लोग हैरान थे, लेकिन वो औरत जिसकी दुकान में वो काम करता था उसे कोई हैरानी नहीं हुई। ऐसा लग रहा था मानो वो पहले से रुहान के नाटक के बारे में जानती थी। रुहान ने उसे बताया कि वो शहर छोड़कर जा रहा है, तो उस बूढ़ी औरत ने उसे आखिरी बार खाना खिलाया। इसके बाद रुहान ने रॉन को उसके बिछड़े बेटे का पता भी दिया और फिर हायरान के साथ अपने रास्ते निकल गया। फिर रास्ते में उन्होंने एक साउथ कोरियन एजेंट को मार गिराया और उसके ईयरपीस के जरिए रॉजर से कहा कि यिन को रिहा कर दे। लेकिन रॉजर ने रुहान को उसके शरीर में मौजूद ट्रैकिंग डिवाइस और ताइवान नाम के उस सिपाही के बारे में बताया जो उन सबको मारने आ रहा है। अब वो समझ गए थे कि ताइवान जल्द ही उन तक पहुंच जाएगा, इसलिए वो प्लान बनाकर अपने ट्रैकिंग डिवाइसेस के जरिए ताइवान को एक सुनसान बिल्डिंग में ले आए। रुहान ने उससे पूछा कि क्या सरकार उसकी माँ की देखभाल कर रही है, लेकिन ताइवान की चुप्पी देखकर वो सब समझ गया। इसके बाद उन दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो गई, लेकिन तभी हायरैंग पीछे से गाड़ी में आकर रुहान को लेकर भाग निकला। ताइवान भी उनका पीछा करने लगा, लेकिन जब बीच में रॉजर ने पुलिस के साथ मिलकर उनका रास्ता रोका तो वो दुम दबाकर भाग निकला। आखिरकार रुहान और हायरैंग एक खुफिया जगह पर पहुंचे जहां उन्होंने स्यू को छुपाया था, लेकिन वहां स्यू की असलियत जानकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। दरअसल स्यू तो शुरुआत से ही नॉर्थ कोरिया की सरकार के साथ मिलकर जासूसों को खत्म करना चाहता था। इसके बाद स्यू ने अपने सभी गुंडों को उन दोनों को खत्म करने को कहा, लेकिन रुहान और हायरैंग ने मिलकर कुछ ही पलों में सबको धूल चटा दी। खैर इस सब के बाद अब रुहान को अपनी माँ की चिंता होने लगी थी। इस पर सू ने हंसते हुए कहा कि सभी जासूसों के परिवार को उसी पल मार दिया गया था जब उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई थी। ये सुनकर रुहान को बहुत गहरा सदमा लगा और उसने गुस्से में सू को चाकू मार दिया। अचानक ताइवान के आदमियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी और उन दोनों को वहां से भागना पड़ा। अब ताइवान और साउथ कोरिया की पुलिस भी यिन को लेकर उस बिल्डिंग तक पहुंच गई। तभी गुंडों ने उन पर भी गोलियां चला दी और इस मौके का फायदा उठाकर यिन ने खुद को आजाद कर लिया। साथ ही सभी गुंडों को अपनी काबिलियत से मार गिराया। इसके बाद उसने रॉजर और पुलिस से रुहान की जान बचाने को कहा। जब पुलिस उन्हें बचाने ऊपर चढ़ी तो ताइवान के आदमियों ने उनके रास्ते पर धमाके कर दिए। कुछ ही पलों में बिल्डिंग की छत पर रुहान और हायरैंग का सामना ताइवान के मुस्टंडों से हुआ और उनमें भयंकर लड़ाई छिड़ गई। देखते ही देखते ताइवान के सभी आदमी खत्म हो गए और वो अकेला ही उनसे लड़ने लगा। अब ताइवान रुहान को खत्म करने ही वाला था कि यिन ने ऐन मौके पर पहुंच कर उसे गोली मार दी। ताइवान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था और अचानक उसने एक बॉम्ब निकाल लिया। अब हायरैंग ने बिना कुछ सोचे अपनी जान की बाजी लगा दी और ताइवान को धक्का देकर बिल्डिंग से कूद गया। अचानक जोरदार धमाका हुआ और बॉम्ब हवा में फट गया। उधर पुलिस ने ऊपर आकर रुहान और यिन को सरेंडर करने को कहा ताकि वो उन्हें नॉर्थ कोरिया से बचा सकें। लेकिन अपनी माँ की मौत की खबर सुनने के बाद तो रुहान जीना ही नहीं चाहता था। अचानक उसने देखा कि जियान ने उसकी जेब में एक पासबुक रखी थी। असल में उसने रुहान का नाम अपने दूसरे बेटे के तौर पर लिखवाया था और उसकी शादी के लिए काफी पैसे भी जोड़े थे।
ये देखकर रुहान की आंखों में आंसू भर गए। तभी रॉजर ने यिन को सरेंडर करने को कहा, लेकिन यिन अपने उसूलों से हटने को तैयार नहीं था। वो तो पुलिस पर ही गोली चलाने लगा, जिसके बदले में पुलिस ने भी उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ये देखकर रुहान यिन को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन उसे भी कई गोलियां लग गई। इसके बाद वो दोनों छत से नीचे गिर गए। अंत में अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए रुहान ने अपने दोस्तों के साथ बिताए पलों को याद किया और एक अनजान देश में जिस औरत ने उसे एक बच्चे की तरह पाला, उसके बारे में सोचता हुआ एक मुस्कान के साथ मर गया। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।